हेलो एवरीवन, लास्ट हमने यूनिट नंबर 2 और स्नेल्स टेल स्टार्ट किया था, वो फिनिश कर लिया था। एक्सरसाइज भी हमारा पार्ट 1 कंप्लीट था ग्रामर तक। ओके, सो आज हम वोकेबुलरी स्टार्ट करेंगे। सो लुक एट दिस वर्ड, रीड देम अलाउड एंड स्पेल देम। ओके, सो ये वर्ड्स है वो आपको ज़ोर से रीड करना है और उसकी स्पेलिंग भी आपको नोटबुक में लिखनी है। ओके, सो ये वोकेबुलरी है, ये पोर्शन जो है वो आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, राइट? अब मैं स्पेलिंग जोर से पढ़ती हूँ, आपको मेरे पीछे पीछे ये दोहराना है, रिपीट करना है और ये नोटबुक में ये स्पेलिंग्स लिखने हैं। केक, टेक, मेक, सीट, नीट, बीट, माय, fly, sky, pet, cat, mat, jet, mat, pet, ring, king, sing. Now pronunciation, repeat the given words. These words rhyme with snail. तो snail के साथ जो rhyming word है वो यहाँ पे है, जैसे कि tail, pail, fail, mail. अगेन आई एम रिपीटिंग, टेल, पेल, फेल, मेल। ओके, नेक्स्ट रिपीट द गिवन वर्ड्स, दिस वर्ड्स राइम विथ नोज, होज, रोज, पोज एंड चोज। अगेन, होज, रोज, पोज एंड चोज। लिसनिंग स्किल्स, योर टीचर विल रीड आउट अ राइम, रिपीट ईच लाइन ऑफ दिस राइम after your teacher. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Now, speaking skills. We use many words such as what, where, when, which and why when we ask questions. These words are question words, okay? सो जो भी ये वर्ड्स है उसे बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली, और ये क्वेश्चन वर्ड्स है। वॉट क्या है वो, वॉट ये जो लाइन की है वो, वॉट वेयर व्हेन है, व्हिच एंड व्हाई। ओके, तो कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन वर्ड एंड रीड देम अलाउड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ब्लैंक इज योर नेम, तो वॉट आएगा या व्हेन आएगा, वॉट यानी कि क्या और व्हेन यानी कि टाइमिंग के लिए पूछा गया है। तो आपका नाम क्या है, तो आंसर आएगा व्हाट, व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ आंसर है माय नेम इज़ नंदा। नेक्स्ट, ब्लैंक इज़ योर बर्थडे, आपकी बर्थडे क्या है, तो व्हाई तो रीज़न के लिए आएगा और व्हेन है वो टाइमिंग के लिए, डेट के लिए आएगा, तो यहाँ पे आएगा आंसर व्हेन, माय बर्थडे इज़ ऑन 30 मार्च। नेक्स्ट, ब्लैंक क्लास आर यू स्टडिंग, ओके, तो वेयर है वो प्लेस के लिए है और वीच है यानी कि क्या, कौन से, तो यहाँ पे वीच क्लास आर यू स्टडिंग, आंसर आएगा वीच, आई एम स्टडिंग इन क्लास 1। ओके, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है व्हेन, तो यहाँ पे आपको व्हेन लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे ब्लैंक में, तीसरी ब्लैंक में वीच लिखना है। देन नेक्स्ट, ब्लैंक डू यू लीव, तो ये जगह के लिए आएगा, तो कौन क्या आएगा, वेयर या वॉट, तो यहाँ पे आंसर आएगा वेयर, तो आप कहाँ रहते हो, तो यहाँ आएगा वेयर, वेयर डू यू लीव, तो आई लिव इन चेन्नई। फिफ्थ, ब्लैंक आर यू सैड, क्यों, कोई रीज़न के लिए है तो वाई आएगा, तो वाई आर यू सैड, आप आज सैड क्यों हो, दुखी क्यों हो, बिकॉज आई लॉस्ट माई पेंसिल, क्योंकि मैंने अपनी पेंसिल खो दी, राइट? Now reading for fun. Read aloud the following poem. तो poem है snail के बारे में, okay? तो ये poem हम पढ़ेंगे। The snail, he cannot fly, he cannot hop, he cannot run at all. But you should see the way he goes slowly up the wall. He cannot skip or race about. He has one way to go. And as I watch him, I must say, he is good and going slow. तो ये poem है snail के बारे में, ये snail है, okay? हमारा जो unit है ये उसी के बारे में snail है, okay?
तो वो उड़ नहीं सकता, होप यानी कि ही कांट जम्प, ओके। वो दौड़ नहीं सकता पर वो धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे चलता है, ओके। और वो अच्छे से धीरे धीरे चलता है, ओके। नाउ राइटिंग स्किल, इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड राइट द वर्ड दैट डज नॉट राइम विच द अदर विद द अदर टू इन द स्पेस गिवन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो पॉट, हर्ट एंड कॉट, तो यहाँ पे जो हर्ट है वो राइम नहीं होता, पॉट एंड कॉट बोथ आर राइमिंग वर्ड्स, लेकिन जो हर्ट है वो राइम नहीं होता, ओके। तो यहाँ पे हर्ट है। फिर है बीट, लीट एंड कट, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड राइम नहीं होता, कट, जो ये कट है वो राइम नहीं होगा, तो यहाँ आएगा कट, ओके। नेक्स्ट है सन, बर्न एंड पेन, तो कौन सा वर्ड राइम नहीं होता, सन बर्न तो होता है लेकिन पेन नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा पेन। जो यहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे आपको लिखना है, ओके, मैं ऐसे लिख रही हूँ। नेक्स्ट टैप, बीट, नीट, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है वो राइम नहीं होता, तो ये टैप है वो टैप राइम नहीं होता, तो यहाँ हम लिखेंगे टैप। नेक्स्ट है बेड, शेड एंड बर्ड, ओके, तो बेड शेड तो राइमिंग वर्ड है लेकिन बर्ड राइम नहीं होता, तो यहाँ हम लिखेंगे बर्ड लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी गई है वहाँ पे आपको लिखना है बुक में। अ वैल्यू फॉर लाइफ, द स्नेल वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी डिड नॉट लाइक हैविंग अ शेल ऑन हर बैक, बट इन द एंड शी अंडरस्टैंड्स हाउ यूजफुल द शेल वॉज, वॉट इज द लेसन टू बी लर्न हियर, ओके। तो आपको पूरा यूनिट मैंने समझाया, उसमें क्या था कि जो स्नेल था, स्नेल थी वो पहले खुश नहीं थी, उसके जो शेल था उसके ऊपर जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, ओके, ये जो पिंक कलर का है, मैं राउंड से समझाती हूँ, ये शेल है उसका, ओके। तो पहले वो खुश नहीं थी उससे, लेकिन फिर क्या हुआ कि लास्ट में जब उसकी जान बची बिकॉज ऑफ द शेल, तो वो फिर उसके उससे समझ में आया कि ये शेल कितना यूज़फुल है, ओके। तो आपको इससे यहाँ क्या सीख मिलती है, तो हमें यहाँ ये सीख मिलती है कि हमें हमारे पास जो भी है, ओके, उसे हमें खुश रहना चाहिए, हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज़ अ वैल्यू फॉर लाइफ, राइट। नाउ लाइफ स्किल, यू हैव कम टू विजिट अ गार्डन, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द गार्डन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, ओके। तो ये मैंने आपको समझाया था लाइव क्लास में, ओके, जब बुक आए, तो ये आपको अपने घर पे करना है, अपने आप से करना है, ठीक है, विदाउट हेल्पिंग, विदाउट किसी की भी हेल्प लिए बिना, ओके। सो ये आपको अपने आप से करना है, ओके। तो यहाँ पे हमारा यूनिट है, उसकी एक्सरसाइज और स्नेल्स टेल पार्ट टू भी यहाँ पे फिनिश होता है, और ये यूनिट हमारा विद द एक्सरसाइज कम्प्लीटली फिनिश होता है, ओके। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। जो भी होमवर्क लिखना है यहाँ पे, क्या क्या आपको मैं इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, वो मैं फोटोग्राफ्स आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच एवरीवन।